चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल सुंदर बेसन के मोदक, जो गणेश जी को बहुत ही प्रिय हैं। देखिए, इसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी बेसन, एक कटोरी चीनी, एक कटोरी अमूल दूध का पाउडर और एक कप दूध और ड्राई फ्रूट्स। चलिए अब रखते हैं गैस पर कढ़ाई। कढ़ाई को गरम कर लेंगे पहले, फिर डालेंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। आपके पास जो अवेलेबल हो या आप जो खाते हो आप वही डालिए। और ये येलो लग रहा होगा आपको कि ये गाय का देसी घी है इसलिए येलो लग रहा है। चलिए घी को चेक कर लेते हैं गरम हुआ नहीं। देखिए ये गरम हो गया है, मैंने चेक कर लिया है। अब डालेंगे इसमें बेसन, मीडियम आँच पर ही भूनेंगे। मीडियम आंच पर ही भूनेंगे इसको, चलाते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए अच्छी तरह से भूनते रहेंगे इसको, अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे जलना शुरू हो जाएगा। देखिए ये हल्का सा भुन गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी का छींटा मारने से इसमें दरदरापन भी आ जाता है, रवा सा आ जाता है और ये पता भी पड़ जाता है कितना भी भुनना बाकी है। देखिए ये कितना अच्छा स्मूथी सा लग रहा है। अब ये धीरे धीरे भूनेंगे इसको। ये भून गया है, देखिए आप इसमें फूड कलर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला है इसमें। और बेसन कोई भी हो आप वो ले सकते हैं, दरदरा हो या बारीक बेसन हो। अब डालेंगे इसमें 1 कटोरी चीनी, इसमें भूरा नहीं डालेंगे, इसमें चीनी ही डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। चलिए अब डालेंगे इसमें रूम टेम्परेचर का दूध, दूध को धीरे धीरे करके ही डालेंगे और चलाते रहेंगे इसको जिससे इसमें लम्स नहीं आए। अब थोड़ा सा और डालेंगे दूध, मैंने 1 कप ही दूध लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपके पास बेसन हो उतने ही लीजिए आप। चलिए देखिए अब इसने कढ़ाई छोड़ दी है बेसन ने, इससे ये भुन गया है। चलिए अब डालेंगे इसमें दूध का पाउडर। अगर आपके पास दूध का पाउडर नहीं है तो आप खोया भी ले सकते हैं, आपका जो भी अवेलेबल हो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, मैंने अभी गैस बंद कर दी थी। देखिए अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे इसको जिससे इसमें लम्स नहीं आए और अच्छी तरह से ये मिल जाए। ये निकल गया है, सॉरी। चलिए ये भुन गया है, तैयार हो गया है। अब डालते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, इसको मिंगी भी कहते हैं। ये मैंने लिए पिस्ता, फिर मैंने लिए बादाम, मैंने बादाम छोटे छोटे काट लिए थे। फिर मैंने लिया गोले का बुरादा, अगर आपके पास गोले का बुरादा नहीं है आपके जो अवेलेबल है वो डालिए। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, दूध से बाइंडिंग अच्छी हो जाती है इसलिए मैं दूध डाल रही हूँ गोले के बुरादा से, को भी डाला है मैंने। चलिए अभी इसमें थोड़ी सी और 1 चम्मच दूध की ज़रूरत है इसलिए भी थोड़ा सा दूध और डालेंगे इसमें अच्छी तरह से मिलाने के बाद। चलिए अब मैंने डाला है 1/2 चम्मच दूध और। अब डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, इसे अच्छी तरह से हाथ से मसल कर मिला लेंगे जिससे अच्छी तरह से इलायची पाउडर मिल जाए। ये बहुत ही सिंपल मोदक है, इनमें कुछ भी ज़्यादा नहीं समय लगता है बनाने में। अब मैं मोल्ड को ग्रीस कर रही हूँ। देखिए अभी बंद करके बताऊँ, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगी मोदक को भरना। अच्छी तरह इसको थोड़ा दबा दबा कर ही भरेंगे।
ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। गणेश जी का तो बहुत ही मन पसंद प्रसाद है, ये बहुत ही शौक से खाते हैं गणेश जी। तो जिस तरह से लड्डू गोपाल जी का मिश्री और माखन है, उस तरह से गणेश जी का है ये प्रसाद। इन्हें पूरे 15 दिन यही प्रसाद लगता है और सभी लोग बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। नाचना गाना सब बहुत करते हैं, बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से इसको मनाते हैं। देखिए इसको खोलेंगे, अब अच्छी तरह से दबा के खोलेंगे इसको। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मोदक बन गए हैं, इतना सुंदर है, बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह मोदक है ये। इसी तरह से और मोदक बना लेंगे। अब मैं इसको खोल कर बताऊंगी किस तरह से। अगर आप इसके बीच में भी ये स्टफिंग भरना चाहें तो भर सकते हैं, या बंद करके भरना चाहें तो बंद करके भी भर सकते हैं। देखिए मैंने तो बंद करके भर रही हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर से फिर बेसन को से बंद करूँगी मैं इसकी स्टफिंग को। बहुत कम समय में बनते हैं ये मोदक तो। देखिए चलिए अब इसको भी खोलेंगे। देखिए कितने अच्छी तरह से ये बन गए हैं।